सीएम मनोहर लाल की नई घोषणा, सभी को मिलेंगे 4 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा कर दी है और उन लोगों की लिस्ट भी जारी हो चुकी दोस्तों जिनको ये रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी लोगों को 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों जिन लोगों को मिलेंगे उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है, इस लिस्ट में जिसका नाम है देख लेना भाई, लिस्ट देखो जी किसका इसका नाम है। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और कुछ भी पूछना तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब शुरू करें वीडियो, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ से मरने वाले परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपये का मुआवजा का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अब जो बाढ़ आई हुई है हरियाणा में, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से ज़िले हैं। इनमें दोस्तों सिरसा, फतेहाबाद, जींद, फरीदाबाद, पलवल शामिल है। दोस्तों इन ज़िलों में जो रहते हैं, अगर यहाँ कोई मर जाता है तो उसको भाई 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। दोस्तों अम्बाला कुरुक्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हैं। जी हाँ, इसमें जो है अम्बाला और कुरुक्षेत्र को भी शामिल कर रखा दोस्तों। अम्बाला कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, यमुनानगर, कैथर, पंचकुला तक इन इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोग प्रभावित हुए दोस्तों। अब सीएम ने कहा है कि 4 लाख रुपये मुआवजा राशि देने का ऐलान किया सभी को, जिस भी परिजन की मौत हो जाती है जिसके भी, उसको 4 लाख रुपये मुआवजा का ऐलान किया है। वही पार्ट से क्षतिग्रस्त हुए मकानों को सही करवाने में सरकार मदद करेगी भाई। इसके बाद 4-5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक भी की दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको बुढ़ापा पेंशन, रबी का बीमा, रबी 2023, खरीफ 2022 का बीमा की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फैमिली आई टी के साथ साथ हम इनकी भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुछ भी पूछना कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई।